मप स्कूल शिक्षा विभाग, लापरवाही पड़ी भारी, 13 शिक्षक निलंबित, अनिवार्य सेवानिवृत्त की चेतावनी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों पर निलंबन सस्पेंड की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। चुनावों एमपी इलेक्शन 2022 के लिए हर बार की तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिसमें शामिल रहना अति आवश्यक सेवाओं में शामिल है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी कर्मचारी पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, जिनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने कल शुक्रवार 3 जून को प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। जानकारी के अनुसार IITTM में आयोजित प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1563 अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कुल 18 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिसमें जानकारी लेने पर 5 अधिकारी कर्मचारी कहीं दूसरी जगह चुनाव ड्यूटी में शामिल थे। शेष बचे 13 अधिकारियों कर्मचारियों की अनुपस्थिति को आदेश का उल्लंघन माना गया और इनके खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने निलंबन की कार्यवाही के आदेश दिए। कलेक्टर ने स्कूल विभाग के 8 शिक्षकों को निलंबित, टीचर्स शिक्षा सस्पेंडेड कर दिया और उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रोफेसर के निलंबन का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेज दिया। उधर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश में कहा है कि बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीमारी के कारण निर्वाचन कार्य में शामिल होने से इनकार किया जा रहा है, जिससे कार्य प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में आदेशित किया जाता है कि अब बीमारी संबंधी छुट्टी का कोई भी आवेदन मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के बिना स्वीकार नहीं होगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि उल्लंघन होने पर 20 साल की सेवा अथवा 50 साल की आयु के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही की जाएगी।